का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी एडमिशन्स के प्रोसेस के बारे में कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जामिया में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, जामिया में उनका मार्क्स जो है सिलेक्शन के प्रोसीजर से बहुत ही कम होगा, या वो कट ऑफ के क्राइटेरिया में नहीं आ पाएंगे, या मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाएगा, या सिलेक्शन जो है रिजल्ट आने के बाद उनका मार्क्स बहुत कम होगा, वेटिंग लिस्ट में भी क्लियर ना हो सकेंगे। तो उन बच्चे जो वो स्टूडेंट है वो इस बार एडमिशन्स कहाँ लेंगे, क्या इस बार उन्होंने ड्रॉप करना है या वो तैयारी करेंगे, उसी के लिए मैं जो है उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरिट बेस पे एडमिशन्स ले रही है उनके ऊपर जो है ये वीडियो है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कोई भी स्टूडेंट जो जामिया सीनियर सेकेंडरी में जो है तैयारी किया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़े, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे कौन यूनिवर्सिटी है जो मेरिट बेस एडमिशन ले रही है, दूसरा बात ये करेंगे कि मेरिट बेस एडमिशन होता है क्या, तीसरी बात ये करेंगे कि जो जामिया के बच्चे हैं या अलीगढ़ के बच्चे हैं या कोई भी बच्चा हो वो इसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कौन कौन से स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है। उसके बाद ये भी करेंगे कि ये हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ जाके क्या करना है, इन सब चीज़ों के बाद जो है इसी वीडियो में की जाएगी। सबसे पहली बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट को ये फॉर्म भरना चाहिए। अभी मैं ये बात करता हूँ, अभी ये बताता हूँ आपको कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको अपने मार्क्स पे ये लगता हो कि इस बार मेरा सिलेक्शन जो है जामिया में नहीं हो पाएगा, जामिया में नहीं होगा तो इस बार मैं तैयारी करूँगा, तो उन पर प्रेशर हो जाते हैं कि एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं लाया हूँ कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे जामिया है उसी तरह वो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे जामिया है उसी तरह वो भी यूनिवर्सिटी है, उसका उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बेचू नाम है या CHS भी बोलते हैं उसको, आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। किस पे? मेरिट बेस्ड एडमिशन पे, क्योंकि ये कोविड जो चल रहा है, जो पेंडेमिक माहौल चल रहा है उसके वजह से जो है आपको मौका मिल रहा है, तो ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बेचू में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, उसमें आपको हॉस्टल सुविधा बेहतरीन मिलेगा, उसके बाद जो है फैसिलिटीज भी रहेगी, फैकल्टी भी अच्छी है, उसके बाद टीचर भी उतने ही अच्छे हैं जैसे जामिया के हैं, जैसे अलीगढ़ के हैं उतने भी अच्छे उसमें भी टीचर हैं, आपको अच्छी सी सुविधा मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो इस बच्चा जो भी बच्चा है जो स्टूडेंट को लगता है कि इस बार मेरा जामिया में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो जाके इस बार बेचू में जो है ई लॉटरी फॉर्म भर दे या मेरिट बेस्ड एडमिशन्स में फॉर्म अप्लाई कर दे। अब ये बात करेंगे कि ये कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, तो ये जो भी स्टूडेंट हो वो सब कर सकते हैं इसमें अप्लाई। अब मैं ये कहूँगा कि आप कहाँ से करेंगे, आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम लोग कहाँ से इसको ये करेंगे कि अप्लाई करना है या कहाँ से फॉर्म हमें प्राप्त होगा, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ से आपको ये करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या डायल करना है, आपको कौन से लिंक पे जाना है, आपको जाना है www.bechuonline.in पे जाना है, सीधा सीधी आपको जो है 25 तारीख से पहले जो है ये फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद आपको कुछ उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको बस डॉक्यूमेंट्स अपना जो है अपलोड करना है, अपना नाम पता और अपने पेरेंट्स के सब जो है अपलोड करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास। अगर आप लोग कहेंगे कि हम लोग को अप्लाई करने जो है स्टेप बाई स्टेप आप बता दीजिए, एक वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगा, बस आपको कमेंट्स करना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। दूसरी चीज़ ये भी बात कर लेंगे कि मेरिट बेस्ड एडमिशन क्या होता है, ये भी थोड़ा सा छोटा पार्ट है, इस पर भी बात कर लेते हैं। मेरिट बेस्ड एडमिशन ये होता है कि आपका जो आप जो नेक्स्ट क्लास या प्रीवियस क्लास में जो आपका परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए आपका 8वीं क्लास में जो 9th क्लास के लिए दे रहा है 8वीं क्लास में उसका परसेंटेज है 70% और मेरिट बना है 70% पे या 69% पर मेरिट बन गया, तो आपका जो है सिलेक्शन इस बार हो जाएगा बिना टेस्ट के, बिना एंट्रेंस दिए आपका जो है सिलेक्शन मिल जाता है। तो इससे अच्छा यूनिवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, पढ़ने का अच्छा मौका है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की तरह ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे JNU है, जैसे जामिया है, जैसे MU है, उसी तरह बनारस बेचू यूनिवर्सिटी है, तो आपको अच्छी मौका मिल रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पेज पे आ गए हैं। ये है बेचू का साइट, आपको दिखा सकूँ, बेचू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की साइट है, आपको यहाँ पे जाना है नीचे वाले पे, यहाँ पे आपको नोटिस दिखेगा, नोटिस फॉर ई लॉटरी फॉर्म, ये होता है मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम में कौन कौन से लड़के भाग लेते हैं, नोटिस कहाँ है, कैसे हम लोगों को क्या करना है, तो इन सब चीज़ों की बात हम इसी वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट पेज खुल गया क्योंकि हमने ई नोटिस फॉर्म वाले पे जो है क्लिक किया, तो ये फॉर्म खुल के आपके सामने आएगा। इसमें यही सीधा सीधी लिखा है कि
छः और नाइन, क्लास सिक्स एंड नाइन के लिए जो है ये रखा गया है। इसका जो लास्ट डेट है वो 25 तारीख 8वां महीना 2021 को है। उसके बाद आपको जो है इस पे अपना डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना है। कितने तारीख को, 26/8/2021 तक जो है आपको अपलोड कर देना है अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी है। आप अगर क्लास सिक्स के लिए कर रहे हैं तो क्लास फाइव का अपलोड करना है, एंड क्लास एट नाइन के लिए कर रहे हैं तो क्लास एट का आपको रिजल्ट अपलोड करना है। किस पे करना है, तो ये है www.bechuonline.in पे आपको जाना है और इसी पे आपको जो है अपना रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट जो भी हो इसी पे अपलोड करना है। उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के हिसाब से जो है आपका जो है कट के आएगा और उसके बाद सिलेक्शन में आपका नाम आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी भी बच्चे के लिए कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े और हॉस्टल की सुविधा ले, फैकल्टी की सुविधा ले और कम फीस में जो है एक अच्छी सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने की मौका मिल सके। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जामिया का हर एक बच्चे को मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चा अपने मार्क्स की कमी की वजह से ये बैठा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो जो ई लॉटरी फॉर्म है उसको अप्लाई करें और उसको फॉर्म को भरें। अपना डॉक्यूमेंट जो है 26 तारीख से पहले जो है 26 तारीख से पहले आपको जो है अपलोड करना है। 26 तारीख से पहले आपको अपलोड करना है कहाँ पर, www.bechuonline.in पे आपको जाना है और वहाँ पे जो है आपको अपलोड करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से आपको भरना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, उस पर भी मैं एक स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो बना दूंगा किस तरह से आपको अपलोड करना है। अगर कोई भी बच्चा इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी स्टूडेंट हो जो जामिया में उसको लगता है कि इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना मेरा पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये जो है बेचू आपको मौका दे रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भर दीजिए। और भरने से क्या रहता है कि आपका अगर नाम आता है तो एडमिशन ले लेना, नहीं आएगा तो फिर एक साल के बाद हम तो तैयारी करेंगे, नहीं तो सेकंड वीडियो में बनाने वाला हूँ कि दिल्ली में कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है जो क्लास नौवीं और क्लास छठवीं, मतलब कि क्लास नाइन्थ एंड क्लास सिक्स में जो है हमें एडमिशन दे सके मेरिट बेस के हिसाब से। तो ये आपके लिए अच्छा सा मौका है, आप इसका यूज कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, इंस्पायरिंग लगे, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।